हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं मेरा गार्डन का बहुत ही खूबसूरत फ्लावर के बारे में थोड़ा बताऊंगा दोस्तों, जो कि बालसम है। किस तरीके से आप उसको ग्रो कर सकते हो, तो दोस्तों आप बने रहे वीडियो में हमारे साथ। तो देख सकते हो दोस्तों, अभी कितना ज़्यादा बालसम का पौधा मैंने लगाया है मेरे गार्डन में। और दोस्तों देखिए कितना ज़्यादा फूल खिल रहा है मेरे गार्डन में। तो दोस्तों ये एक मानसून फ्लावर है दोस्तों। बारिश के सीजन में बहुत सारे रंग बिरंगी में इसका फ्लावर आता है, और दोस्तों बहुत सारे कलरफुल वेराइटी का प्लांट्स है इसका। तो दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों, मेरे पास जो है रेड कलर का बहुत ही सुंदर और अच्छे से अभी फ्लावरिंग आ रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। और मैंने जितना भी सारा पौधा है मैंने सबको मैंने पॉली बैग में लगाया है, और देख सकते हो दोस्तों पॉली बैग में भी कितना अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों आप भी इसको अपने गार्डन में लगा सकते हो मानसून के सीजन में, और दोस्तों आपका गार्डन को बहुत ही सुंदर बना सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर कितना अच्छे से फ्लावरिंग आ रहा है दोस्तों, देखिए। और दोस्तों आपको बता दूं, ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है दोस्तों। इसको बस आपको थोड़ा पानी का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों ये किसी भी मिट्टी में चल जाता है। आपको जो गोबर खाद डालना भी नहीं पड़ेगा, ये नॉर्मल मिट्टी में भी चल जाता है। और इसको आप सीड से ग्रो करके लगा सकते हो दोस्तों। मैंने भी इसको सीड से ग्रो किया था, बहुत छोटे छोटे प्लांट को लगाया था, और आज देखिए दोस्तों कितना बड़ा बड़ा प्लांट हो गया है, और देखिए कितना अच्छे से फ्लावरिंग खिल रहा है मेरे गार्डन में। तो दोस्तों आप इसको बारिश से पहले आप लगा सकते हो, और विंटर में भी इसको लगा सकते हो दोस्तों। उससे पहले आपको इसका प्लांट रेडी करना पड़ेगा, सीड से ग्रो करना पड़ेगा, तभी आप लगा सकते हो। और इसका जो कलम भी लग जाता है दोस्तों, तो आप कलम भी इसका लगा सकते हो। तो दोस्तों आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।